अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू नीलास डाइनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं बना रही हूँ चिकन दाबू, जिसका नाम आपने सुना ही होगा। गुजरांवाला सियालकोट में तो बड़ा ही शोर पड़ा हुआ है इसका, तो आपने भी इसका शोर सुना होगा। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 किलो चिकन लिया है, उसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैं उसके अंदर सिरका, पानी और नमक डाल के उसको 10-15 मिनट के लिए रख दूंगी। इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और जो ब्लड वगैरह नज़र आता है चिकन पर वो भी ख़त्म हो जाएगा। जब भी आपने चिकन को फ्राई करना हो किसी भी किस्म का, चाहे वो रोस्ट हो, ब्रोस्ट हो, या ये चिकन दाबू है जैसे, तो ऐसे काम के लिए आप चिकन को इस प्रोसेस से ज़रूर गुजारा करें। अब हमने दोबारा से चिकन को नहीं धोना, बस ये जो पानी हमने इसके अंदर ऐड किया था, पानी, सिरका और नमक, उसको हमने बस निकाल देना है पानी को, और जस्ट हमने इसी तरह ही इस चिकन को जो है अब इसकी मैरिनेशन करनी है। चिकन दाबू बनाने के लिए मैंने चिकन का साइज़ जो है बोटियों का वो नॉर्मल के लिहाज से थोड़ा बड़ा रखा है, क्योंकि फिर ये थोड़ी बड़ी हों तो फिर ही ये ज़रा बाज़ार जैसी लुक आएगी। मैरिनेशन के लिए मैंने सबसे पहले 5 टेबलस्पून दही इसमें ऐड किया है, और अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून सिरका। सिरका ना हो तो आप इसके अंदर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जो है वो सॉल्ट ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून ही इसमें जाएंगे चिली फ्लेक्स, और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून डालूंगी हल्दी, 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च पाउडर भी डलेगा, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर डलेगा, और 1 टीस्पून ही इसमें धनिया पाउडर जाएगा। अब इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, या इन दोनों का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास दोनों में से पेस्ट या पाउडर में से जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून इसमें जिंजर डाला है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर गार्लिक पाउडर डाला है। अब इसको अच्छा सा कलर देने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो फूड कलर डालूंगी, ऑरेंज फूड कलर, और साथ में मैंने थोड़ी सी टार्टरी डाली है 1 टीस्पून, जो कि इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देगी और हमारा चिकन भी जो है वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगा। और साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जो है केचप ऐड किया है, और फिर 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें तिल ऐड करूंगी। आप तिल जो है वो इसके अंदर ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि दाबू की जो मेन चीज़ है जिससे इसका फ्लेवर बनता है वो एक तो तिल है, और दूसरा कि इसको सरसों के ऑयल में जो है फ्राई किया जाता है। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम अपनी चिकन की बोटियों के अंदर जो है वो लगा देंगे, ताकि अच्छी तरह से सारी बोटियों को इक्वल मसाला लग जाए। मसाला लगाने के बाद आप चिकन को कम से कम 2 घंटे के लिए ज़रूर जो है फ्रिज में रखा करें, या पूरी रात भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट सामने आएगा। तो मैंने भी इसे 2 घंटे के लिए जो है मसाला लगा के फ्रिज में रख देना है। अब 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है, अब इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें जाएंगी। 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर अब जो है मैदा जो है वो ऐड करना है, और साथ में 5 टेबलस्पून ही मैं इसमें बेसन ऐड करूंगी, और 5 टेबलस्पून ही इसमें कॉर्नफ्लोर जाएगा। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावलों का आटा भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर की जगह। हमने चिकन को जो मसाला लगा के रखा था, उसने जो खुद से पानी छोड़ा था चिकन ने, उसी में हमने बेसन, मैदा और कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। अभी अपनी तरफ से कोई पानी इसमें हमने ऐड नहीं किया। वो जब हम ये तमाम चीज़ें मिक्स करेंगे, अगर हमें महसूस हुआ तो फिर हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। मुझे थोड़ा सा ड्राई फील हो रहा था तो मैंने थोड़ा सा पानी यूज़ किया है, तो हमने कुछ ज़्यादा पेस्ट नहीं बनानी। बस इस तरह बोटी के साथ हमारा मसाला और ये जो मैदा वगैरह और कॉर्नफ्लोर बेसन लग जाए, बस इस तरह हमने इसको रखना है। आप देख सकते हैं कि एक पतली सी लेयर और कोट जो है हमारी बोटियों के ऊपर हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो है दोबारा से तिल ऐड करूंगी। जो तिल पहले हमने ऐड किए थे वो तो हमारे मसाले के अंदर फ्लेवर लाने के लिए थे, और अब जो मैं डाल रही हूँ ये इसकी खूबसूरती को दिखाने के लिए होगा। अब हम इसको जो है फ्राई कर लेंगे। आप इसको जो घर में आपके कुकिंग ऑयल है उससे भी फ्राई कर सकते हैं, और सरसों के ऑयल से भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका जो असल फ्लेवर है वो सरसों के ऑयल से आता है। मैं आपको दोनों ही तरीकों से फ्राई करके दिखाऊंगी। ऑयल को तेज़ गर्म करने के बाद हम इसके अंदर चिकन जो है वो शामिल करेंगे, और चिकन शामिल करने के बाद हम इसको जो है वो लो फ्लेम पे कर देंगे, ताकि हमारी बोटियाँ अंदर से कच्ची ना रहें, क्योंकि फिर वो अक्सर ऐसा होता है कि बाहर से रेड हो जाती हैं और अंदर से चिकन कच्चा रह जाता है। आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर फिर इसको 15 से 20 मिनट तक जो है इसको फ्राई करना है। चिकन की मैंने बीच में 2-3 दफ़ा साइड भी चेंज की है। आप इसे जो है डालने के बाद स्टार्ट में जो है 3-4 मिनट बिल्कुल ना छेड़ें, और उसके बाद आप इसकी वक्फे वक्फे से जो है साइड चेंज करते रहें, ताकि ये कहीं एक साइड से जल ना जाए। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है। अब मैं इसे कढ़ाही से बाहर निकाल लेती हूँ। मेरी इन टिप्स को ज़रूर फॉलो किया करें, क्योंकि फिर इसी से आपको पता चलेगा कि आपका चिकन किस तरह अच्छी तरह से जो है वो कुक हो जाएगा अंदर तक, वरना ये कच्चा भी रह सकता है।
सरसों का ऑयल यूज़ करते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इसे पहली दफ़ा यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको जो है वो चूल्हे पे रखने के बाद जब तक इसके अंदर से धुआं ना निकलना शुरू हो जाए तब तक इसको पकने देना है, और उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो चिकन ऐड करना है, क्योंकि फिर वो जब धुआँ निकलना शुरू हो जाता है ना तेज़ गर्म होने के बाद, फिर वो धुआँ निकलने के बाद जो है वो इसके अंदर से एक अजीब सी जो स्मेल है ना वो हमारी ख़त्म हो जाती है। 3-4 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और ये दोनों तरफ से देखें अब गोल्डन हो गया है, और मैं अब इसको बाहर निकाल लूँगी और साथ ही मैं कुछ फ्राइज़ जो हैं वो फ्राई करूँगी इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, जिससे हमारे बच्चे भी जो हैं वो खुश हो जाएंगे। अब मैंने एक सर्विंग डिश ली है और उसके अंदर मैंने दाबू और फ्राइज़ जो है वो सेट कर दिए हैं, और माशाल्लाह से सुभानअल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, और तिल के साथ देखें इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। तो जनाब खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका दाबू कैसा बना। तो हमेशा की तरह एक अच्छी सी बात के साथ वीडियो का एंड करते हैं, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना और वक्त अच्छा हो तो मदद करना। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।